दोस्तों आज के टाइम में हर चीज टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होती जा रही है और इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो चुकी है ऐसे में मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल हैं जिसके लिए कोई भी आईटी किया हुआ पर्सन अप्लाई कर सकता है और जॉब ले सकता है दोस्तों अभी अभी मैंने एक वर्ड यूज किया आई तो ऐसे में आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे की आखिर ये आई होता क्या है इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं और इसे करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं टॉपिक्स के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आई एक ऐसा फील्ड है जिसमें कंप्यूटर में उसके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और हार्डवेयर का यूज इलेक्ट्रॉनिक डेटा को क्रिएट प्रोसेस सिक्योर और एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है आसान भाषा में बात करें तो आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज हैं वो आई में ही आती हैं जैसे डेवलपमेंट कोडिंग स्क्रिप्टिंग डेटाबेस, नेटवर्किंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल क्लाउड एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट ये सभी आईटी का ही पार्ट हैं। आईटी ने आज पूरी दुनिया को इंटरनेट सॉफ्टवेयर और अलग अलग हार्डवेयर के जरिए से जोड़ दिया है आज की ऑलमोस्ट सभी चीजें आई टी बेस्ड हो चुकी हैं जैसे एजुकेशन बिजनेस हेल्थ एंटरटेनमेंट टेलीकोम्युनिकेशन ऑनलाइन पेमेंट एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इन सभी में आईटी का यूज किया जाता है अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि आखिर आई में कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज के टाइम में हर जगह का का यूज किया जाता है है ऐसे में में अगर कोई पर्सन कोर्स कर लेता है, तो दुनिया भर में ऐसी कई कंपनीज हैं जहाँ पर अच्छी जॉब्स अवेलेबल है वैसे तो आई में कई तरीके के कोर्स करवाए जाते हैं बट इसमें ये थ्री टाइप के कोर्स होते हैं पहला डिग्री कोर्स दूसरा डिप्लोमा कोर्स एंड तीसरा सर्टिफिकेट कोर्स तो पहले बात करते हैं डिग्री कोर्स की डिग्री कोर्स करने के लिए आपको ट्वेल्थ पास होना जरूरी है बिना ट्वेल्थ कंप्लीट किए आप डिग्री कोर्स नहीं कर सकते हो इन कोर्स का टाइम ड्यूरेशन तीन से चार साल का होता है बात करें फी की तो वैसे तो फी इंस्टीट्यूट और कॉलेज पर डिपेंड होती है बट डिग्री कोर्स की बेसिक फी पचास हजार से तीन लाख तक के एवरेज में आ जाती है डिग्री कोर्सेज में आप बी एस सी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग बी टेक और बी सी ए कर सकते हैं बैचलर कोर्स करने के बाद आप एम ई एम एस सी एम टेक और एम जैसे मास्टर कोर्स भी कर सकते हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन दो साल का होता है अब बात करते हैं डिप्लोमा कोर्स की इन कोर्स की एलिजिबिलिटी पास होती है और इनका टाइम ड्यूरेशन एक से दो साल का होता है टाइम ड्यूरेशन कम होने की वजह से इसकी फी भी दस हजार से लेकर सत्तर हजार तक होती है डिप्लोमा कोर्स में आप डी यानी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया वेब डिजाइनिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड एनिमेशन एंड ग्राफिक्स भी कर सकते हैं अब बात करते हैं लास्ट कोर्स की यानी सर्टिफिकेट कोर्स की इन कोर्स की एलिजिबिलिटी भी पास होती है और इनका टाइम ड्यूरेशन वन ईयर होता है इन कोर्स की फी से तक होती है सर्टिफिकेट कोर्स में आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर हैंडलिंग हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स भी कर सकते हैं आई के इन कोर्स को करने के बाद आप इन जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्रामर वेब डेवलपर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आई सिक्योरिटी एंड टेक्निकल सेल्स अब बात करते हैं कि आई कोर्स करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है तो इसकी सैलरी आपके कोर्स और प्रोफाइल पर डिपेंड करती है अगर आप एक डिग्री होल्डर हो तो आपकी सैलरी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट वालों से ज्यादा होगी बात करें एक फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तो इनकी सैलरी 1.2 लाख से 3.7 लाख और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 4 लाख से 12 लाख एनुअल तक होती है तो अलग अलग प्रोफाइल की अलग अलग सैलरी होती है आई होप दोस्तों आई से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अगर आपके दिमाग में फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर मेंशन कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक like करें शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें थैंक यू